अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि हमें ये पता हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले क्या थी और अब उसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और आजकल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और पहले किसे कहा जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज से तकरीबन 200-250 साल पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ और थी और आज डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन और आसान करते हैं इसको कि आज से 200 साल पहले कोई भी हमारे पास कंपाउंड्स थे, चाहे वो कोई भी नेचर के हों, उनको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता था, या कह लें कि उनको क्लासीफाई किया जाता था दो हिस्सों के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उनके सोर्स की बेस पे या उनके ओरिजिन की बेस पे किसी भी कंपाउंड को दो हिस्सों के अंदर क्लासिफाई किया जाता था। अब देखें, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या हो सकता है, कोई लिविंग ओरिजिन हो सकता है, कोई लिविंग सोर्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास ओरिजिन हो सकता है वो कोई नॉन लिविंग सोर्स या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास कंपाउंड्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता था। वो तमाम कंपाउंड्स जो कि हमारे पास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते थे, हम उन कंपाउंड्स को नाम देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और तमाम वो कंपाउंड्स जो कि हमारे पास किसी नॉन लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते थे, या कह लें कि आउटसाइड द लिविंग बॉडी प्रेजेंट होते थे, हम उनको नाम देते थे दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ये इनऑर्गेनिक हैं जो नॉन लिविंग में हैं, और जो लिविंग में हैं उनको हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली डेफिनेशन क्या थी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग बॉडी, के जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो पहले इन तमाम को ऑर्गेनिक कहा जाता था क्योंकि ये हमारे पास लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जो भी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लिविंग ओरिजिन से बिलोंग करता है, उसे हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती थी, लाइक सैंड, जिसे आप सिलिका भी कह सकते हैं, ठीक है, सिलिका, कोई भी हमारे पास मिनरल सोर्स जो कि लिविंग बॉडी के बाहर है, तो हम कहते थे कि वो तमाम कंपाउंड जो कि बॉडी के अंदर नहीं है उन्हें हम बोलते थे दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये सोचा जाता था कि ये हमारे पास जो बनते हैं एक खास फोर्स के तहत, और उस फोर्स को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, ठीक है। तो वाइटल फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। यही वजह है कि जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब इसी वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक थ्योरी बनी जिसे हम बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी हमारे पास ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं। मतलब ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आउटसाइड द लिविंग बॉडी सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, और वो फोर्स लाजमन चाहिए इन केस ऑफ सिंथेसिस, किसको बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास थी वाइटल फोर्स थ्योरी। साइंटिस्ट ने बहुत सारी ट्राई भी की, उन्होंने कोशिश भी की कि वो किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आउटसाइड द लिविंग बॉडी बना ले,
लेकिन वो इसको बनाने में कामयाब नहीं हो सके, तो फिर हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो उस जमाने में बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये तो थी पुरानी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फिर एक साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट का हमारे पास नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास फ्रेडरिक वुलर। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर एक साइंटिस्ट था और उसने क्या किया, उसने एक दिन लैब में काम किया और काम क्या किया कि उसने अमोनियम साइनेट, उसने एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, उसने अमोनियम साइनेट को लेबोरेटरी के अंदर हीट किया। जब उसने इस कंपाउंड को हीट किया तो इससे एक और हमारे पास नया कंपाउंड बना और वो क्या था, NH2 twice CO। आप इसको ऐसे लिख लें या फिर आप इसको ऐसे लिख लें C double bond O NH2 NH2। तो फ्रेडरिक वुलर लेबोरेटरी में काम कर रहा था तो उसने जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उसके पास एक कंपाउंड बना और इस कंपाउंड का नाम था हमारे पास यूरिया। वो हैरान रह गया कि ये क्या हो, क्योंकि अमोनियम साइनेट जो था वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास यूरिया बना जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको पहले भी ऑर्गेनिक ही समझा जाता था क्योंकि ये ह्यूमन या किसी भी आप कह लें कि मैमल्स जो हमारे पास है उनके यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। तो फ्रेडरिक वुलर ने जब ये काम किया तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और वो भी लेबोरेटरी के अंदर, नॉट इनसाइड द लिविंग बॉडी। तो फिर हमारे पास फ्रेडरिक वुलर ने क्या कहा, उसने हमारे पास रिजेक्ट कर दी कौन सी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा कोई वाइटल फोर्स नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग बॉडी के बाहर भी बना सकते हैं, दे कैन बी सिंथेसाइज आउटसाइड द लिविंग बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेडरिक वुलर का काम था और ये काम जो उसने किया था ये 1828 के अंदर किया था हमारे पास, 1828 में। उससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सका। ठीक है, लेकिन इसके इस काम के बाद जब इसने ये एक एक्सपेरिमेंट के जरिए करके प्रूफ किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाए जा सकते हैं और लिविंग बॉडी के बाहर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कि आज तक, अभी तक जो हमारे पास, अभी जो मैंने सर्च किया था जो, तो हमारे पास देयर आर 9 billion ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने? 9 million ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास अभी तक बन चुके हैं। मतलब वो एवरेज निकालें तो तकरीबन हर रोज 10,000 नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। और क्रेडिट किसे जाता है? फ्रेडरिक वुलर को। ठीक है, तो इसने ये काम किया। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्रेडरिक वुलर का काम था उसके बाद जो पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग बॉडी, उसको मेंटेन रखना अपना स्टैंडर्ड मुश्किल हो गया। तो हमें अब उस डेफिनेशन को चेंज करना था, तो हमने उस डेफिनेशन को चेंज किया और इस पुरानी डेफिनेशन को छोड़ के हम एक नई डेफिनेशन लेके आए, दैट इज मॉडर्न डेफिनेशन। अब हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा तो हमें दो चीज़ें पता चली। क्या पता चला? कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? कार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन लाजमी है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ प्रेजेंट है इसके साथ वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स एलिमेंट्स सॉरी प्रेजेंट हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फर, लाइक फास्फोरस, लाइक नाइट्रोजन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। तो हमने इसी से क्या कहा, हाइड्रोजन से एक वर्ड लिया हाइड्रो और कार्बन को इसके साथ मैच किया तो हमारे पास एक नया वर्ड बना, दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से मुराद वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हमने न्यू डेफिनेशन की तो हमने कहा एक्चुअली द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम इकट्ठा मिला के बोलने तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हाइड्रोकार्बन्स असल में हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है। हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना है तो हमने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनसे बनने वाली भी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब डेरिवेटिव से क्या मुराद है, डेरिवेटिव से मुराद ये है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है दैट इज CH4 मीथेन, ठीक है। अगर मैं इसके हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह क्लोरीन अटैच कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बना तो असल में ये CH4 से ही है, मतलब ये जो CCl4 है ये किससे ड्राइव हुआ है, CH4 से, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब है जिस ड्राइव किया हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो CCl4 है इसको भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन नेम्ड एज CH4 मीथेन, ये मीथेन से बना है, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जांपल कि अगर CH4 में मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूं, इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। अब ये क्या है, ये तो एक अल्कोहल है, लेकिन ये असल में कहाँ से ड्राइव किया गया है, क्योंकि ये ड्राइव किया गया है एक हाइड्रोकार्बन से दैट्स जिसका नाम क्या है हमारे पास CH4, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पुरानी डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स विच आर सिंथेसाइज विद इन द लिविंग बॉडी, लेकिन वुलर ने इसको रिजेक्ट किया। तो फिर हमारे पास नई डेफिनेशन आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बाइकार्बोनेट्स और एक और चीज है दैट इज कार्बोनेट्स, जब हम इनकी बात करते हैं तो चाहे इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, ये हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर के नहीं हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स हैं, इनकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई मैचिंग नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो इस पूरे टॉपिक में हमारे पास आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट लेक्चर, इसमें हमारे पास सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और वो हमारे पास क्या है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जिसमें डेफिनेशन आ जाएगी पुरानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसके बाद वुलर का ये काम लिखेंगे विद इक्वेशन कि हमारे पास फ्रेडरिक वुलर ने इसको रिजेक्ट किया था और कैसे रिजेक्ट किया था कि अमोनियम साइनाइड से उसने हमारे पास यूरिया बना दिया था। तो ये था आज के लिए, अभी हम इसको करते हैं इस लेक्चर में, अभी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये हमारे पास MCQs हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आप ये याद कर लें व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।